हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी पटना की ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना सो इनकी वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे ये यह जो वेबसाइट है इस पर विज़िट कर सकते हैं या सिंपली आई आई टी पी डॉट ए सी डॉट इन टाइप कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप उस पर भी क्लिक करके इस पर विज़िट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं ठीक है सो so, उसी को हम आज देखेंगे सो so, यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड दिख रहा है राइट right, ये देखिए यहाँ पे है ना ये है। तो इसमें काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस मूव हो रही हैं सो तो आप व्यू वॉल पे क्लिक कीजिएगा सो तो सारा नोटिफिकेशन या जो वो पेज है वो ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं तो सबसे पहले तो इनविटेशन है फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये समथिंग दूसरा है उसके बाद जो पोस्ट हैं वो काफ़ी सारी हैं सो बेसिकली प्रोजेक्ट असिस्टेंट है जे so है, है और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं तो इसलिए हम सिर्फ नाम देखेंगे आप में से कोई अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देख लीजिएगा राइट सभी लेटेस्ट हैं तो हम होपफुल की डेट अभी बची एक दो को हम ओपन करके देख लेंगे सो सेकेंड नंबर वाली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट तो टेम्प्रेरी रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या नाम है तो स्टडी ऑन द डेंसीफिकेशन एंड फ्रैक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक्स प्रोड्यूस बाई नोवल फ्लैश सेंटरिंग टेक्निक सो आप इससे रिलेटेड हैं तो आप ओपन करके इसको देख सकते हैं देन सेकेंड है फॉर जे आर एफ तो जे आर एफ है पोस्ट किस सब्जेक्ट या किस प्रोजेक्ट के लिए सो इट इज रॉबर्स एंड रिलायबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ सुपर लास्टिक्स स्पेस मेमोरी अलॉय एस एम ए डैम्पो फॉर सीस्मिक वाइब्रेशन कंट्रोल ऑफ स्ट्रक्चर्स ये है देन मैनेजर की है पोस्ट टेक्निकल एक पोस्ट है उसके अलावा मैनेजर की है नॉलेज टेक्नोलॉजी और टूल क्रिएशन से रिलेटेड एक देन एच आर फाइनेंस लीगल एंड एडमिन से एक है सो एप्प्केशन आर इन्वाइटेड राइट मेरी टे स्टूडेंट्स इन पोजिशन के लिए आपको ये चीज़ें और भी लिखी हुई हैं आप इसे भी पढ़ लीजिएगा एरियाज वगैरह ठीक है आपको अगर अप्लाई करना है तो जो भी आप इंटरेस्टेड एक्सपीरियंस हैं सो आप अपने अपनी डिटेल्स को सेंड कर सकते हैं कहाँ पे एट द रेट आई आई टी पटना डॉट ओ सी डॉट इन राइट सो आप इन्हें भेज भी सकते हैं और इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी लास्ट डेट इज़ एटीन ट्वेंटी एट फेफ तो आप अट्ठाईस फेब तक चाहें तो भेज सकते हैं दैन बाकी और हैं जैसे यहाँ पर सीनियर एक्जीक्यटिवस की दो पे पोस्ट हैं ये भी अट्ठाईस तक आप चाहें तो इन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं दैन सी ई की एक पोस्ट है अगेन ट्वेंटी एट फेफ तक आप चाहें तो कर सकते हैं सिमिलरली सीनियर अकाउंटेंट और अटेंडेंट की पोस्ट है एक एक देन यहाँ पे रोलिंग एडवर्टीजमेंट है इसे भी हम ओपन करते हैं तो ऐसे ही जे आर एफ की पोस्ट हैं सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो नाइन्थ पोस्ट है नाइन्थ नंबर का पोस्ट है कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज वाल से रिलेटेड प्रोजेक्ट सो यहाँ तक के अभी डेट्स हैं सिक्सटीथ इसकी लास्ट डेट है सो so, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये और इसके ऊपर के सभी एडवर्टीजमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं हम इस रोलिंग एडवर्टीजमेंट वाले को पहले ओपन करते हैं और इसे देखते हैं राइट right? तो ये है वो रोलिंग एडवर्टीज़मेंट वाला नोटिफिकेशन सो इस एक्चुअली रोलिंग एडवर्टीज़मेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है ठीक है आप इसमें जब तक चाहे अप्लाई कर सकते हैं कट ऑफ डेट एज सच लास्ट डेट कुछ नहीं होती कट ऑफ डेट होती है वो अपने डिपार्टमेंट के अपने विवेक पर निर्भर करता है या वो अपने हिसाब से जो भी उन्हें डेट सुटेबल लगती है वो उसे देखते हैं राइट right, कंसिडर करते हैं तब तक की अप्लीकेशन फिर बाकी अप्लीकेशंस भी कंटिन्यू रहती हैं नेक्स्ट टाइम जब भी कंसिडर किया जाएगा सो so प्रीवियस की सारी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है राइट right? सो so उस इससे रिलेटेड अगर आप रोलिंग एडवर्टीजमेंट में पार्ट लेना चाहते हैं सो so ये सारे डिपार्टमेंट्स लिखे हैं इसके से रिलेटेड कौन सी पोस्ट है वो लिखी है और एरिया राइट सो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस सी एस सी से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं सभी स्पेशलाइजेशन की देन सिविल एंड एनवामेंट से रिलेटेड भी सभी की है केमिकल से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए और सारी स्पेशलाइजेशन तो इसी तरह यहाँ पे देखिए वन बाय वन सबमेंशन है मैथ्स भी है ह्यूमानिटीज़ एंड सोशल साइंस है केमिस्ट्री है और फिज़िक्स भी है एलॉन्ग विद बाकी जो भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस थे उनके उसके बाद यहाँ पे सारी क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या चाहिए पे स्केल्स क्या हैं फैसिलिटीज़ क्या हैं ये सारी चीज़ें ठीक है उसके बाद है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद इसे आपको फिल करना और भेज देना है इनके पास ये एड्रेस है फैकल्टी रिक्रूटमेंट सेल का आपको और भी कोई इशू होता है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उससे पहले यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है इन आईडीज़ पे तो इसको भी देख लीजिएगा राइट सो अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना राइट और यहाँ पे है वही मैं एक रोलिंग एडवर्टीजमेंट है कोई भी लास्ट डेट नहीं है कोई भी आपको और कुछ क्वेरी है या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है अब यस yes, तो यही नोटिफिकेशंस हैं आप एक बार देख लीजिएगा सारी नाइन नंबर तक आपका कोई प्रोजेक्ट है या आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए चाहते अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं और टीचिंग के लिए ये पोस्ट मैंने दिखाई आपको ये रोलिंग एडवर्टीज़मेंट है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं सो so, यस yes, ये था वीडियो ये थी इंफॉर्मेशन दैट इज़ इट थैंक यू सो मच